हेलो स्टूडेंट्स। सो यार, हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग काफ़ी सारी बच्चों की क्वारी जा रही है रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। एंड यार, इसके अंदर ना बहुत सारे स्टूडेंट को इश्यू भी फेस करना पड़ रहा है। आखिरकार एडमिशन मिलने के बाद भी जो है बहुत सारे इश्यू फेस करने पड़े स्टूडेंट को, और मुझे बहुत दुख है कि बहुत सारे स्टूडेंट को सीट अलॉट होने के बाद भी उनको जो है वो लोग सीट ले नहीं पाए यहाँ पे। तो क्या सारा इशू रहा है, तो चलिए देख लेते हैं गाइस। जैसे कि यार ये देख सकते हो, ये फॉर्म है, ठीक है, ये मेरे किसी बच्चे का एप्लीकेशन है। ओके, सो यहाँ पे जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई कॉलेज है, तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे एक्शन के अंदर विड्रॉ एप्लीकेशन शो कर रहा है। इसका क्या मतलब होता है भैया? सो यार, जैसे ही आपका अलॉटमेंट आता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी बच्चे को, जैसे श्रीनगर कैंपस में बी फार्मा है, जैसे आपको यहाँ पे बी फार्मा में अगर सीट अलॉट होती है, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो होते हैं। एक स्पेस सीट का, जो भी एप्लीकेशन की जो भी आपकी सीट की जो फीस होती है, एक विड्रो सीट का होता है। तो जैसे आप 2 से 3 दिन का टाइम ऑलमोस्ट मिलता है, 3 दिन के अंदर अंदर आप अपनी फीस पे नहीं करते हो, डॉक्यूमेंट नहीं पे अपलोड करते हो ना, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर देती है यूनिवर्सिटी की। उसके 3 दिन बाद जो है आपको एक्शन के अंदर विड्रो एप्लीकेशन शो कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो है इस एप्लीकेशन के प्रोसेस से बाहर कर दिया गया है, आपको निकाल दिया गया काउंसलिंग से, इस एप्लीकेशन के प्रोसेस से। तो जिन भी बच्चों को यहाँ पर विड्रो एप्लीकेशन शो कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपका सीट तो अलॉट हुई थी लेकिन आपने फीस पे नहीं किया। ओके, अब यहाँ का ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? स्टूडेंट को ये इश्यू फेस करना पड़ रहा है कि भैया हमें जो है सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई, इसका किस बात से पता चलेगा? हम कहाँ पे चेक करें कि कौन कौन सी ब्रांचों की जो लिस्टें आ चुकी है और कौन कौन सी ब्रांचों की लिस्टें नहीं आ चुकी? यार, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारा सीयूटी पेड काउंसलिंग प्लान भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट आ रखी है, ये सेकंड मेरिट लिस्ट फॉर बीटेक फर्स्ट ईयर। ओके, लास्ट डेट है इनकी 16 अक्टूबर। ओके, उसके बाद ये जर्नलिज्म की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ रखी है, इस पे भी हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद ये देख सकते हो, इसकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। ओके, इसके बाद ये देख सकते हो बीटेक, ये सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुकी है लेटरल एंट्री वालों की। यहाँ पे आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है। ओके, व्यू ऑल पे हम क्लिक करेंगे। अब यार व्यू ऑल पे जो हम सारी की सारी लिस्टें देख सकते हैं आपसे, ठीक है। तो यार 13 तारीख को ये लिस्टें अपलोड हुई है, देख सकते हो ये ब्रांचों की। ओके, ये 12 को अपलोड हुई है। ये सारी की सारी 13 को अपलोड हुई है। ओके, सो ये देख सकते हो सेकंड मेरिट लिस्ट बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर, लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ फीस सबमिशन इज 16 अक्टूबर 2022, यानी कि 13 को रिलीज हुई है, 16 तक आप फीस पे कर सकते हो। 3 दिन का आपको टाइम दिया गया है। इन इन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। आखिरकार यूनिवर्सिटी ने फिर से गलती, देखो उल्टा फॉर्म दिया। क्या यूनिवर्सिटी वालों, तुम क्या कॉलेज चलाओगे रे यार? देखो ये बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, जनरल कैटेगरी वाले जितने भी बच्चे हैं ये। ओके, अब भैया हमको फीस कैसे पे करना है? तो यार जितने भी बच्चे हैं ये, उनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, आपको यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे कैसे आए भैया? तो सबसे पहले ये देखो यार, आप लोग जिन भी बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है सारा का सारा प्रोसेस, वो नीचे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है। ओनली फॉर 1499 रुपये में आपका जो है कंप्लीट एडमिशन हमारी तरफ से कराया जाता है। तो यार उसमें जो आप लोग जरूर से एनरोल कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले में जाओगे आप लोग, ठीक है, यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे देख सकते हो मैंने लॉग इन कर रखा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लॉग इन बटन पे जाके लॉग इन कर लोगे अपना एप्लीकेशन पासवर्ड डाल के।
फिर जिन भी बच्चों को सीट अलॉट हुई है ना, उनको ये जो एक्शन वाला विंडो है यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जैसे देख सकते हो इतना बड़ा हो जाएगा। आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे यहाँ पे, एक इधर की साइड, जो इधर की साइड रहेगा वो रहेगा आपका सीट पेमेंट का रहेगा, एक इधर की साइड रहेगा विड्रॉ का। आपको पेमेंट वाले पे क्लिक करना है, उसके अंदर जैसे जाओगे आपको पहले डॉक्यूमेंट मांगेगा, फिर आपकी जो भी फीस है वो आपको पे करनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है, अगर आपके बैंक अकाउंट से आपका पेमेंट कट जाता है, तो उससे यूनिवर्सिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वो अब यूनिवर्सिटी को आपको सक्सेसफुल पेमेंट करना है, आप चाहे वो 3 बार में करो या 100 बार में करो या 10 बार में करो, जब तक वेबसाइट पर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो जाता तब तक यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्सिटी को पेमेंट सक्सेसफुल चाहिए, चाहे आपका 10 बार पेमेंट फेल हो या 20 बार फेल हो। ओके, अगर आपका पेमेंट कट जाता है, बैंक में आने में 10 से 15 दिन वापस लग जाते हैं, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे पेमेंट ठीक से पे करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि मेरा तो पैसा कट गया, अब यहाँ पे होगा कि नहीं होगा उससे मेरे को लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। यूनिवर्सिटी ने साफ साफ डिक्लेयर किया, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे सारे के सारे बच्चे। नीचे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल जरूर करें, सीयूटी गाइडेंस प्लान में जरूर से एनरोल करें। धन्यवाद।